गोंडा जिले में कोरोना के बाद वायरल बुखार का कहर जारी है। जिले भर में वायरल बुखार के 4000 केस मिले हैं। बच्चों और लोगों में तेजी से ये वायरल बुखार फैल रहा है। 50 से अधिक बच्चों का जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में इलाज जारी है। स्वास्थ्य विभाग ने अगस्त महीने के जांच के आंकड़े पेश किए हैं। जांच के दौरान 4000 बच्चों में वायरल बुखार की पुष्टि हुई है। वायरल बुखार के बीच डेंगू व मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है। जिले में डेंगू से पीड़ित 3 नए केस मिले हैं, जिनका इलाज जारी है। डेंगू की दस्तक से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया है। डेंगू मरीजों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। ग्रामीण क्षेत्रीय व बाढ़ग्रस्त इलाकों में भी 1200 बच्चों में वायरल बुखार के लक्षण दिखाई दिए हैं। यही कारण है कि जिला अस्पताल में 10 बेड का डेंगू वार्ड बनाया गया है। वायरल बुखार की जांच के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है। घर घर जाकर बुखार के लक्षणों की जांच की जा रही है। गोंडा CMO डॉक्टर राधेश्याम केसरी ने इस बात की जानकारी दी। अभी डेंगू के 3 केस डिटेक्ट हुए हैं और किसी की मौत डेंगू से नहीं हुई है और इसके लिए फॉगिंग तथा छिड़काव किया जा रहा है। मलेरिया के कोई केस रिपोर्ट नहीं हुए हैं और न ही किसी की। अभी सरकार का एक प्लान है जो 7 तारीख से चलना है, जिसके अंतर्गत निगरानी समितियाँ गांव-गांव घर घर जाएंगी और बुखार के बारे में लोगों से पता करेंगी और आवश्यकता अनुसार जांच और दवाएँ दें। जिला अस्पताल में 10 डेंगू के बेड आरक्षित हैं, जिसमें अभी कोई मरीज भर्ती नहीं। संजय मिश्रा, गोंडा, क्विक न्यूज़।